भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, भाजपाइयों के उड़े होश। दरअसल आपको बता दें, आगरा के टेंडी बगिया पर रविवार की दोपहर सियासत की साझा लकीर खींची गई। दो दल दो विचार मिले और दो लड़ाकों ने साझा संकल्प लिया। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, यूपी में 80 हराओ और संविधान बचाओ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मोहब्बत की नफरत के खिलाफ लड़ाई मोहब्बत से ही जीती जा सकती है। उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार आई तो एक मिनट में MSP लागू करेंगे। दलित मुस्लिम बहुल इलाके में उमड़ी भीड़ से उत्साहित पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ये मोहब्बत का शहर है, यहाँ से जितनी चाहे मोहब्बत ले लें और इस मोहब्बत को आगे अपनी यात्रा में बांटते जाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा के टेंडी बगिया पहुंचे। यहां उन्हें सपा मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिला। तीनों नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन का पहला काम देश में फैलाई गई नफरत के खिलाफ खड़ा होना है। आज गरीबों, किसानों, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का बजट जो लोग बनाते हैं उनमें गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब किसानों को सम्मान मिलना चाहिए, आज ऐसा नहीं हो रहा है, किसानों गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, देश का किसान दुखी है, उनकी MSP की मांग पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हैं, नौकरी और रोजगार नहीं है, नौजवान डिग्री जलाकर आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश की भारती में पेपर लीक हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने का अच्छा संदेश जाएगा। आज खुशी का दिन है, हम सभी लोग देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।